आप तो इस हैंडसम लड़के को जानते ही होंगे। ये वही लड़का है जिसे शिजुका के साथ देखकर मेरा बहुत जलता है। पर आज हमें मिले हैं ऐसे मिस्ट्री जिसे आप लोग भी देखकर कहेंगे, हाँ अब तो नोबिता का जलना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ डेगी सुगी के बारे में, जो आप लोग आज से पहले नहीं देखा होगा और नहीं कहीं सुना होगा। सो लेट्स बिगिन। इस लड़के का पूरा नाम हायरोशी डेगी सुगी है और ये 10 साल का है और इसका बर्थडे होता है 15 अप्रैल को। और इसका सपना है कि मैं बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बनूं, और इसका ये सपना फ्यूचर में सच होता है। और ये बहुत ही अच्छा इंसान है और ये सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता है। और इस बंदे को पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और ये एग्ज़ाम में कम मार्क्स लाने से भी बहुत डरता है। साथ ही साथ ये दूसरों की पढ़ाई में भी मदद करता है। और इसकी हाइट लगभग नोबिता जितनी ही है और इसके हेयर और आइज के कलर ब्लैक है और इसकी स्किन का कलर बेज है। देखिए उसकी अपने अच्छे बिहेवियर के कारण आसपास के लोगों के सम्मानित बंदा है। इसके सर इसे ऑनेस्ट स्टूडेंट का भी दर्जा देते हैं और ये सब करके अपने क्लास के लड़कियों के सामने डेगीसुगी बन जाता है हीरो। और क्लास के सभी लड़कियां डेगीसुगी पे मरती भी है, जिनमें से एक शिजुका भी है। इससे ये साबित होता है कि डेगीसुगी प्रिंस बनने के लिए बिल्कुल सक्षम है कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट। और इसके नाम की ही मतलब होता है ब्रिलियंट। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे नोबिता की शादी शिजुका से होती है फ्यूचर में, वो भी डोरेमोन के कारण। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि डेगीसुगी की शादी किससे होगी। डेगीसुगी की शादी किसी और लड़की से होती है और डेगीसुगी एक बच्चा भी होता है और उसका नाम होता है हीडियो। मैं आपको डेगीसुगी के वाइफ और उसके बच्चे के बारे में बाद में बात करते हैं, और आप टेंशन मत लो, मैं डेगीसुगी के वाइफ के पिक्चर भी दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं डेगीसुगी और नोबिता के फ्रेंडशिप के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे डेगीसुगी के नोबिता बिल्कुल अपोजिट है। डेगीसुगी अपने क्लास में फर्स्ट आता है तो नोबिता सबसे लास्ट। और भी कई कारण है जिससे नोबिता डेगीसुगी से जलता है, लेकिन डेगीसुगी फिर भी नोबिता का काफ़ी हेल्प करता है। अपने एक एपिसोड में देखा होगा नोबिता का बर्थडे वाला, जिसमें डेगीसुगी और शिजुका दोनों मिलकर नोबिता के लिए बर्थडे केक बनाते हैं, लेकिन नोबिता गलत चीज़ें समझने लगता है और डोरेमोन के गैजेट्स की मदद से उन्हें परेशान भी करता है। फिर डेगीसुगी फिर से केक बनाता है और उसे जाके खिलाता है। अब फाइनली इसके वाइफ के बारे में जानने का समय आ गया है। आप लोग तो स्टैंड बाई मी डोरेमोन 2 में देखा ही होगा कि नोबिता की शादी शिजुका से होती है, और ये बात तो तय थी कि नोबिता की शादी शिजुका से ही होती है। डेगीसुगी का वाइफ कौन है फिर? तो ये देखिए, ये है डेगीसुगी की वाइफ का फ्यूचर वाइफ। इसका नाम है टाकीबानो और इसका एक बच्चा भी होता है फ्यूचर में, जिसका नाम होता है हिडियो डेगीसुगी। सो गाइज, ये थे डेगीसुगी के बारे में फुल डिटेल्स। आई होप आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा डेगीसुगी के बारे में जानकर। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।